तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सर मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। देखो यार, अपनी जब से ब्रेजा गई है ना, उसके बाद सेम ब्रेजा की मेरे को इतनी याद आती है, जिसकी बात नहीं, अपने पास भी ब्रेजा थी, आप लोगों को पता ही होगी, एंड पूरी रेंज रोवर में तैयार करी थी। तो कैसे हो भैया? मैं भी अच्छा हूँ। रेंज रोवर बना रहे हो? राजस्थान से गाड़ी आई थी और लगभग पिछले सवा साल से भैया जो है वो हमें फॉलो कर रहे थे, जब गाड़ी बुक करा रखी तब से, लगभग साल भर से ही, और तब आप आ जाए। ठीक है, तो भैया रेंज रोवर बोलो, इसको इवोक बोलो, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। RJ18 यानी कि राजस्थान से जो है ये गाड़ी आई है भाई, और मतलब काफी दूर से आई है ना, काफी दूर से सुबह आ गए थे भैया था। और स्पेशली भैया मतलब इतना अच्छा नेचर है भैया का, मैं खुद की तारीफ करूंगा कि पहले वो एडवांस बुकिंग पेमेंट एडवांस करके बुकिंग करके आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर आप आए, उनसे भी लास्ट में जाने के मिलवाएंगे आपको। अच्छा, एक बार एड्रेस बता दो, लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई हम लोग ऑटो यूनिक पहले करोल बाग वाले एड्रेस पे देखते थे, अभी नया वाला एड्रेस बता दो। एक्चुअली भैया अपने पास ऑटो यूनिक करोल बाग में भी है। ठीक है, वहाँ पे भैया कई बार ना गाड़ियाँ ना अच्छे से काम नहीं हो पाता, इसका रीजन था कि पूरा रोड पे ना कभी बारिश था, कभी धूप था, कभी पार्किंग की इश्यू, कभी कोई चीज़। ठीक है, एड्रेस अभी रोहतक रोड पे हम हैं, करोल बाग भी है, रोहतक रोड पे जो लिबर्टी सिनेमा गूगल पे डालेंगे जो उसके बगल में। ठीक है, और ये मेन रोड अपना हाईवे की पूरा रोड है। ठीक है, ठीक है, तो भाई आ जाइएगा आप लोग, बाकी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा। आप एक एक चीज करके बताता हूँ मैं खुद ही। सबसे पहले देखो भाई, आपको पीछे रिफ्लेक्टर्स दिख रहे होंगे, इसमें रिफ्लेक्टर लगाए हैं ना? रिफ्लेक्टर है, इसमें कई ऑप्शन मिलता है नॉर्मल मैट्रिक्स स्कैनिंग के साथ, ये जो है मैट्रिक्स पर स्कैनिंग, ठीक चला के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, दिखा देते हैं, बाकी आप अलग डिजाइन पे लगवा सकते हैं, काफी सारे डिजाइन आते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा डिजाइन लगवाना है कौन सा नहीं लगवाना है। यहाँ से एक बार दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई, ये है मैट्रिक्स बोला जाता है इनको, जिसमें ऐसे ऐसे करके जो है लाइटें आती हैं, तो ये जो है मैट्रिक्स बोले जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और ये सेम रिफ्लेक्टर्स हैं जो बलिनों में भी लगते हैं, है ना? एक्चुअली ये बलिनों में नहीं लगते, बलिनों में जो होता है वो यहाँ से कट हो जाता है। अच्छा, ये जो है XL6 में लगता है, अपनी न्यू जो फ्रॉन्ट्स आई है उसमें लगता है ये, और ब्रेजा में अपना लगता है। ठीक है, डिफरेंट है भाई ये चीज़। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, पीछे अभी इसमें कुछ नहीं है, बाकी और चीज़ें जो आप करवा सकते हैं ना, कैमरा लगाना बेसिकली, इसीलिए कैमरा लगाया और OEM जगह पे ही लगना है, यहाँ पे कंपनी से आते हैं। इसके बाद भी अंदर की तरफ अपना पार्सल ट्रे है, जितना सामान भी है निकला हुआ सारा इस पर रख दिया है। नीचे बूट मैट है और वो भी अपना GFX कंपनी का ही है। ठीक है, यहाँ पे बूट लाइट है जो सेंसर वाली है, जैसा मारुति मतलब एक ऐसी कंपनी की हर गाड़ी में कंप्लीट देती है, बंद करोगे एज इट इज बंद हो जाएगी, चालू करेंगे चालू हो जाएगी। ये लगाई है आपने बूट लाइट? अच्छा, ये क्योंकि बेस मॉडल इसमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बूट मैट बूट लाइट हर चीज आती है, उसमें जितना भी सामान था ना इसके एज इट इज सामान अभी यहाँ रखा हुआ है, इससे पता लग जाएगा एज इट इज बेस मॉडल, ये चीजें सिर्फ बेस मॉडल में ही आती है, चलिए आपकी गाड़ी में भी था। ठीक है, तो भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एनीवेज देखो भाई, ये अपनी एलेक्साई ना बेस एंड वेरिएंट है, बेस एंड वेरिएंट है, इसको जो है टॉप में कन्वर्ट करने की पूरी ट्राई करी है। क्रोम भी यहाँ पे साइड में लगा है, जंग वंग लगता है भैया इस पे? भैया अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो 50-60% चांस होता है लगता है। ठीक है, ये जो है कंपनी जेन्युइन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई मतलब चांस नहीं होता जेन्युइन। सेम डोर वाइजर है जो है अपना माउंटेन का लोगो मिल जाता है, नीचे अपना साइड फिटिंग है ये पूरा है, और ये इसी बड़ी बात सेम अलॉय भी लगे हैं। अच्छा, 16 इंच के जो कंपनी में टॉप मॉडल आता है वो भी इसमें लगा। तो भाई यहाँ से देख सकते हो रेट क्या पड़ जाता है, प्राइस भैया इसका प्राइस 30,000 से लेके 33,000 रुपए के बीच में होता है, कभी 30 का है कभी 33 का कभी 32 का। MRP की बात करूँ 44,000 रुपये, शोरूम में से अगर कोई लेके आता है 44,000 कुछ रुपए फिटिंग के देने पड़ते हैं, और ये कैप के देने पड़ते हैं उनको अलग से। ठीक है, ये हमारे पास जो 32,000 रुपए का आज जो लगा है वो पूरा कंप्लीट लगा है, ये ZXI प्लस वाले हैं। ठीक है, तो टॉप एंड वेरिएंट वाले अलॉय व्हील जो हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। अब अंदर इसमें भैया कुछ खास है, उससे पहले बाहर दिखाएं एक बार, बाहर भी आगे की तरफ लाइटों में भी काफी सारी चीज चेंज की गई। ठीक है, आगे भी दिखा एक बार ना, फ्रंट में लेके चलते हैं पहले इसके, कि फ्रंट में क्या कुछ है बेसिकली। और यहाँ से देखो, वैसे तो आपको ना फर्स्ट लुक में पता चल ही रहा होगा कि क्या क्या करा गया, ये फॉग लैंप्स, हेडलाइट में ऑलरेडी प्रोजेक्टर आते हैं, इसमें 120 वाट कार्डी की LED लगी है, और कार्डी के लगाने से अच्छा क्या है कि रीजन क्या है उसमें आपको डिपर काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, लो बीम और हाई बीम कहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें मिंडा की फॉग लाइट है जिसमें 90 वाट LED है, और उसकी भी 3 साल वारंटी मिल रहा है, मैं चला के दिखा देता हूँ। अभी फॉग लाइट ऑन है, इसके बाद ये हेडलाइट। अच्छा, काफी भाई यहाँ पे सामने दिख रहा होगा ऑफिस पूरा चमक गया है रात को। यार एक चीज बताओ, पहले जो
ओरिजिनल OEM फॉग लैंप्स आते हैं, काफी डिम रहते हैं ना वो जी भैया, है ना भैया? उसमें क्या होता है कि 35 वाट की LED होती है सर, तो इसके चक्कर में उसमें थ्रो रोशनी जो कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 90 वाट की LED है, 45-45, इससे उससे लगभग 3 गुना ज्यादा इसमें थ्रो है। रिकमेंड करोगे ये? मतलब ये तो नहीं जो ओरिजिनल OEM आते हैं भैया, OEM भी अपने पास होता है, अगर किसी को चाहिए होते हैं तो वो भी देते हैं, पर ये ही हम रिकमेंड करते हैं, वो मना करते हैं, क्योंकि भैया वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 5,990 रुपए आती है उसकी MRP, पर वो वर्थ नहीं है कहीं। इसमें बढ़िया IPH लगा दो, है ना? IPH अगर भी, हमने IPH भी लगाया हुआ था, एक गाड़ी गुजरात से आई थी उसमें भी हमने IPH लगाया हुआ था, ये आ गई ये होती है। आप देखोगे ना इसमें सिर्फ ये दो स्ट्रिप होता है, जिसकी वजह से जो थ्रो है ये 35 वाट में आता है, नहीं होता यार। इसके 6,000 रुपए देने बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, आप कंपनी में जा रहे हो ना, कंपनी में जाके कभी भी ये मत लगवाना, कंपनी वाले कहेंगे हमसे फॉग लैंप लगवा लो, भैया रुपए लूट जाएंगे आपके, जिसकी कोई है ना। इससे बढ़िया सिंपल एक मिंडा का लगवाओ, उसके अंदर LED लगवा लो, बढ़िया वाले, है ना। चमत्कार की बात बताऊं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में मिंडा ही है। हाँ वो तो मिंडा ही है, बट ये चीज है, देखो इसमें ना पूरी सौदे भी दे रखे हैं कि ये इसमें आपका जो हीट सिंक है ये सारी चीज़ें, बट भाई देखो मैंने भी मतलब मेरे को पसंद नहीं आया था बिल्कुल, मैंने लगवाया था, मैं बोलता हूँ कि ये वाला लगवाओ, इसमें LED लगवा लो, LED लगवा के नॉर्मल LED, प्राइस भी कम हो गया, इसकी वारंटी 1 साल आती है, इसकी वारंटी 3 साल हो गई। अच्छा, रिस्पॉन्स भी 3 गुना ज्यादा हो गया, इसकी वारंटी भी है 3 साल की रिप्लेसमेंट, ठीक है। आजकल LED ऐसी चीज हो गई है, पानी में बाल्टी में डाल के लोग टेस्ट करा रहे हैं। मैंने भी करा था। हाँ भैया, आपने भी करा था, मैंने देखा था शायद आपका ब्लॉग में। मैंने ही करा था। बिल्कुल, तो ये LED ऐसी चीज है, कभी खराब नहीं होती है। HID पहले चलती थी, पर HID में आप थोड़ा इशू आ गया, वायरिंग का पूरा झंझट हो रहा है, पर LED वाटर प्रूफ पूरा फैन के साथ होता है, उतना हीट होता है, नहीं जल्दी खराब होता है। ठीक है, तो भाई ये फ्रंट की कुछ प्रोफाइल थी, हेलोजन हटा के LED लगा दिए ऊपर भी और नीचे भी, और सच्चे में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इसका, सामने आपको दिख ही रहा होगा। बाकी देख लो पूरी ना इतनी लाइट वाइट जल रही है, उसके बावजूद भी जो है इस टाइप का कुछ जो है मतलब अपना रिस्पॉन्स आने लग रहा है ना। हेडलाइट में भी 6500 केल्विन के साथ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लोग बोलते हैं 8-10 हज़ार रुपये की LED बहुत कम, 5,000 रुपये से कम की LED है, और इसकी भी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, और मेन चीज़ क्या है कि 14,000 इसमें ना कैलिन मिल जाता है, जिससे आपको एक मतलब रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो भैया ये थी, अब एक बार अंदर लेके चलें भैया। जी भैया, देखो हमने बाहर से तो आपको अंदर स्पेशली भैया ने ना एक कहते हैं ना एक अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कराना, अंदर के लिए मैंने पहले से सोचा था कि मुझे क्या कराना है, और एज इट इज इसी वजह से थोड़ा टाइम भी भैया का एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि पूरे सीट कवर उनके हिसाब से बने हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना हमारे पास सीट कवर रेडी होते हैं 20-25-30 एक गाड़ी में रेडी होते हैं, पर आज जो है ये सीट कवर 3-4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगा बनने के बाद, ठीक है, ऐसे ही डोर का और ऐसे ही। चलो अब एक बार ना अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो भाई ये है बेस मॉडल, अब पहले जब मैं घुसा मुझे ये बेस मॉडल बिल्कुल भी नहीं लगा, रीजन बताता हूँ सिंपल सा। पहली चीज तो ये फ्रंट में लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, किट बोलते हैं भैया, इसको किट बोलते हैं, ठीक है, ये एमुलेट चला, ठीक है, इसको भैया किट बोलते हैं, और किट स्पेशली इसको इंटीरियर किट बोलते हैं, वुडन किट कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें 2-3 ऑप्शन होता है, और इससे भी बड़ी बात क्या है, इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करा सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा करा सकते हो, बाकी ZXi प्लस में यही आता है। हाँ भैया, हमने पहले किया हुआ भी है, इसमें अभी नहीं किया, भैया के पास टाइम नहीं था, हमने भैया को भी ऑप्शन दिया था, उसके लिए मिनिमम 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि ये जो हाइड्रो डिप होता है उसमें ना सूखने में जो है वो 2-3 लेयर में होता है, हमने पहले भी वीडियो डाल रखी है, अगर कोई देखना चाहता है तो जाके देख भी सकता है ऑटोनिक पे, बाकी इसमें सूखने में थोड़ा सा इशू होता है, ये रीजन होता है कि जो है भैया को आज ये रिकमेंड किया, तो भैया ने यही बोला है कि हाँ ये पूरे मैच करा दो आप सीट कवर, ठीक है, बहुत बहुत सेम भी है, उम्दा लग रहा है, एज इट इज है, और इसमें भी फोमिंग के साथ है, ये फोमिंग है जी भैया, एक जो फोम आता है 19 mm की लेयर यहाँ पे आप देख पाएंगे, वो चीज इसमें लगी होती है, जैसे हाथ रखने में ना, ये चीज तो है, देखो अब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना तो ऐसे हाथ रखता है बंदा, ठीक है, ऐसे हाथ रखेगा तो ये जो आपका ये कोनी वाला पार्ट है ये इधर एकदम बढ़िया से रखा जाएगा, काफी सही काम है भाई। और भैया हमने इसमें ऑप्शन आपको बहुत सारा मिलता है, जैसे ये लेयर है, ये आपका सॉफ्ट टच हो गया, इसी सेम फैब्रिक के साथ आप ये वाला पूरा पार्ट जो है वो उसे भी कर सकते हैं, एक पेंट आता है वुडन, ये आपका ये तो होता ही है, एक पेंट आ जाए तो लेदर लुक में होता है, ठीक है, प्लस ये वाला पूरा पार्ट आप वुडन में करा सकते हो। तो भैया हमने ना अभी तक इतनी ब्रिजा में काम कर दिए हैं, और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि भैया कहते हैं ना ओरिजिनल ना ज्यादा क्वांटिटी नहीं होता, डुप्लीकेट हमेशा क्वांटिटी में काम करते हैं, पर अपना क्या है अब थोड़ा अच्छा और क्वालिटी में, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क समझा रहे हैं भैया, वही फर्क आपको बता रहा हूँ, एज इट इज स्टीयरिंग भी चेंज हो गया,
हैं। इसमें भी भैया कई ऑप्शन है, आप चाहो तो अभी अगर जैसे वुडन आप चेंज कराते हो तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा वुडन करा सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक लेदर करा सकते हो, फिर वुडन हो जाएगा, तो एक अलग ही कस्टमाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है भैया, देखो इसमें ना क्रूज है कुछ प्लान एक्टिवेट का भैया? अभी तो नहीं है, इसका रीजन काफी बहुत बड़ा प्रोसेसर है यार, ईसीएम में वायर ये सब चीजें जाती है, टॉप एंड वेरियंट का है, स्टीयरिंग का भी देख सकते हो, ये देखो प्रॉपरली एकदम वर्क कर रहे हैं यहाँ से, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। यार इस एंड्रॉइड के जमाने में पायनियर क्यों लगाया भैया? सबसे बड़ा रीजन मैं नहीं हूँ, सबसे बड़ा रीजन हमारे कस्टमर, पायनियर का 52 नंबर सिस्टम उनको पहले दिन से चाहिए था। इसका सबसे बड़ा रीजन था वो साउंड लवर है, उनको कोई बेस ट्यूब नहीं, कोई एम्प नहीं चाहिए, इसीलिए पायनियर जो आउटपुट दे सके ना वो सब, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं, कोई एंड्रॉइड में इतना आउटपुट नहीं मिल सकता भैया। ठीक है, या तो कंपनी के सिस्टम में आ पाएगा या पायनियर में आता है, और उससे भी कंपनी के सिस्टम में इसमें डबल है। एज इट इज इसमें आगे की तरफ कंपोनेंट लगे हैं स्टैग लियो के, इसमें आगे भी लगा और सेम पीछे भी कंपोनेंट लगाया, क्योंकि मैंने बताया जैसे आपको ना उनको एम्प लगाना था ना उनको बेस ट्यूब लगाने की, ये रीजन था जो पायनियर का सिस्टम पूरा लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये ना जिनको म्यूजिक का फर्क पड़ता है ना एक्चुअल में, वो लोग लगवाते हैं, जिनको ये नहीं चाहिए कि हम एंड्रॉइड ऑटो ये वो करें, जिनको एक्चुअल में म्यूजिक सुनना है ना, जो ओल्ड स्कूल टाइप होते हैं वही लोग। इसमें भी आ गया भैया एंड्रॉइड ऑटो, इसमें भी आ गया वायर के साथ, इसमें भी कनेक्टिविटी होती है। बाकी देखो मैं एक चीज बताऊं ना, एंड्रॉइड से महंगा पड़ रहा है ये, पायनियर का सिस्टम एंड्रॉइड से महंगा है, लगभग डबल कॉस्ट। एंड्रॉइड तो भैया 4,000 से 5,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है, ये मिनिमम 18,000 से ऊपर आता है, तीन गुना भैया। पर भाई देखो वही बात है, जिसको पता है एक्चुअल में म्यूजिक में क्या फर्क होता है उसी को पता है। अब ये चमकती हुई चीज बताओ कौन सी है भैया? ये एमए लाइट है, K4 स्पेशली K4 है, और यहाँ पे कंट्रोल तो फोन में मिलते ही है, प्लस यहाँ पे भी इसका पूरा कंट्रोल है, ये भी दे दिया हमने, क्योंकि कई बार लोग होते हैं जो फोन से नहीं कर पाते, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, उनके लिए यहाँ भी कंट्रोल दे दिया, तो एक छोटा सा स्विच लगा दिया, और वो भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने अलग से लगाया हुआ है, ये भी प्रॉपर इसका हाँ, गाड़ी का एक पार्ट लग रहा है। लो भैया आपसे अपना यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ये लो यहाँ से आपकी जो मर्जी है, ऑन ऑफ करना है या फिर चेंज करना है मोड, चेंज कर सकते हो, काफी सही चीज है, मतलब ऐप खोलने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कई बार लोग ना आलस खा जाते हैं, ठीक है, स्पेशली फ्रॉन्क्स वाले सामने भैया है, इन्होंने जब ये देखी ना तो वो भी कह रहे हैं कि भैया मेरा भी K4 लगाते हैं, पर उनको वैसे पहले नहीं समझ में आया था, पर अब थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अब फिर K4 लगाते, पर वो भी काफी अच्छी लग रही है। K3 K4 में एक ऐसी सीरीज आ गई, अब तो K10 भी आ गई है, कि मतलब गाड़ी में ना देखने के बाद ही अपने आप में अल्टीमेट लगती है। बिल्कुल, इसमें अगर बजट कम हो तो गाड़ी K3 भी आती है और सिंपल फाइबर वाली भी आती है। जी भैया, प्लस एक चीज और है भैया, ये जो लाइट है ये गाड़ी की नहीं है, गाड़ी में आपको कोई वारंटी नहीं मिलती, ये जिमर की है, इसकी 1 ईयर वारंटी मिलती है। प्लस इसमें आप जैसे गाड़ी में फीचर मिलते हैं, वैसे सारे ऐप कंट्रोल फीचर मिल जाते हैं, और रेट तो बहुत अच्छा रहता है, रेट भी है सिमिलर ही है, 500-700 रुपए का फर्क है बस, ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ठीक है, पर गारंटी मिल रही है एक साल, गारंटी एक साल मिल रही है गाड़ी में, पीछे से भी कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से जरूरी है। अब आ जाते हैं भाई ऑटो यूनिक की स्पेशलिटी पे, वो है सीट कवर्स, है ना, तो वो दिखाता हूँ मैं एक बार आपको कि सीट कवर्स कैसे लगे हैं। बेसिकली इसमें यहाँ से देख सकते हो, परफोरेटर बोलते हैं इसको, परफोरेटेड बोलते हैं भैया, अभी आप बैठे थे वो हल्का सा दब गया था, आप देखो एज इट इज जो शेप था वो वापस शेप में आ गया, वो जबरदस्त। तो भैया इसमें हमारे पास ना कई वेरायटी है, मैं आपको खुद बता देता हूँ, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज से नहीं, मेरे फादर साहब से जो है लगभग 14-15 साल से ज्यादा हो गए वो सीट कवर का ही काम में है, और मतलब पहले तो उनका ऑल इंडिया था जो सीट कवर जाता था, अब हमारे पास अपने सिर्फ बनाने की पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब फैक्ट्री में ऑलरेडी 5-6 मशीन है, फिर भी हम इतना रिटेल की पूर्ति नहीं हो पाती हमारी, तो ये रीजन है अपना। और ये जो पूरा डिजाइन है ये कस्टमाइज किया हुआ है भैया, कस्टमर की पसंद है, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि ऐसे यहाँ थे, यहाँ परफेक्टेड चाहिए, ये जो डिजाइन पैटर्न है ये थोड़ा सा उनका पसंद है, थोड़ा सा हमने सजेस्ट किया हुआ है, फिर एज इट इज ये बर्फी हो गया जो अपना डैशबोर्ड और डोर से मैच होके लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें टॉप मॉडल ही बना दी है पूरी, टॉप मॉडल। और इसमें भी आपको फैब्रिक बता देता हूँ, प्रीमियम सोफा लेमिनेशन आता है भैया, वो चीज है। उसमें क्या होता है भैया आपका, कि ये जो कपड़ा है ना, सिर्फ कपड़ा आपके हाथ में नहीं आता, जिसकी वजह से आपका हमेशा ना फोम, एक तो आपका नॉर्मल फोम डलता है और फोम के ऊपर एक अलग फोम डलता है, वो दो फोम का यूज होता है इसमें, इसे कभी आपका ये फोम जो है कभी बैठेगा नहीं, ये प्लस पॉइंट। जबरदस्त, मजा आ गया सच्ची में, मतलब काफी बढ़िया है जी। ये बीच में सेंटर आर्मरेस्ट है, जेन्युइन कंपनी वाला, जैसे स्टार्टिंग से दिखाते हैं हमारे, और एज इट इज ये है, इसके पीछे जो USB वोल्ट आता है, जो टाइप सी और USB का आता है, ओरिजिनल वायरिंग हार्नेस के साथ, आप थोड़ा सा अभी बांध में आए, पर अगर कोई भाई जाके देखना चाहता है, मैंने स्पेशली इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, कि इसकी ओरिजिनल वायरिंग आती है आगे से पीछे तक की, एक कंपनी की ओरिजिनल आती है। जैसे फ्रॉन्क्स में भी अभी हमने ये IRVM भी लगाया है, IRVM और ये वेंटी मिरर भी लगाया, तो उसमें भी ओरिजिनल वायरिंग चेंज किया, ऐसे इसमें आज पूरी ओरिजिनल वायरिंग के साथ। लो भाई ये भी इसकी मारा मारी थी तगड़ी वाली, वो भी सॉल्व हो चुकी है, मिल नहीं रहा था ये कहीं, है ना,
ये भी हो चुका है। ये तो भैया अभी भी हमारे पास 40-50 सेट रखा हुआ है। अच्छा, रीजन यही है कि क्वांटिटी में गाड़ी आती है तो कभी भी सामान कोई कम ना हो, इतने तो हमारे कूरियर में ही चले जाते हैं। बिल्कुल। चलो पीछे का और दिखा दूं एक बार आपको कि पीछे से कैसा है। बेसिकली यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको। ये देखो भाई, ये आगे अपने पीछे एकदम बढ़िया वाले अगेंस्ट है, और ये थोड़े बहुत जो है ना, अगर आपको दिख रहे हो ये धूप में थोड़े दिन बाद में सही हो जाएगा। ये भी मैं रीजन बताता हूँ, जो मोड़ के रखा होता है कपड़े को ना, ये उसका रीजन होता है। आप बाकी इसमें कहीं भी नहीं आएगा, ये ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। हाँ। अगर अभी भी करना चाहें, जो एक हीट गन होता है ना उससे हो जाएगा, पर अपने आप हो जाता है थोड़े दिन में गर्मी से। रात भर अगर दिन में धूप में खड़ी कर दोगे तो भी हो जाएगा ना। इसके बाद भैया हेडरेस है, इसके बाद भी हेडरेस है, बेस मॉडल है। और सबसे जरूरी चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें ना बहुत सारे लोग हेडरेस दिखाते हैं, जो इसका पतला वाला आता है वो पुरानी वाली ब्रिजा का है भैया। अच्छा। नई वाली ब्रिजा में जो है ये कम्प्लीटली आता है पूरा, और ये जो है आपका होल करके आपकी सीट में ही लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सीट चेंज करके दे रहे हैं। तो ये एक अब मतलब एक नई चीज है जो आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है। इसके साथ नीचे मैट है, इसके नीचे GFX है, ये GFX मैट है जिसको लॉन्ग लाइफ मैट कहते हैं। फ्लोरिंग भी बता रहे हैं भैया यहाँ पे। भाई आप देखो, गाड़ी में बैठे हो, पानी वानी गिर जाए या कुछ भी हो जाए, उस चीज का भी आप देखोगे प्रॉपर फिनिश के साथ है पूरी, कहीं से भी कोई छूटा हुआ नहीं है। डाई वाली फ्लोरिंग को कहते हैं। अगर कोई आएगा, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ, इजिली पता रह सके उनको। प्लस काम की फिनिशिंग भी एक एक करके चेक कर सकते हैं, और हर चीज ऑलरेडी देख पा रहे हैं। मैंने USB बताया था, यहाँ पे USB है, और टाइप से और USB ये लगाने का सबसे बड़ा वो होता है आपका कि ये फास्ट चार्ज करता है, ये स्लो नहीं करता, फास्ट होता है। आगे का आपका जो अंदर की तरफ लगता है वो स्लो करता है थोड़ा। ये एक बेस्ट पार्ट है इसमें देखने के। तो भाई देखो, ऑल इन वन कुल मिला के इस गाड़ी को ना LXi से ZXi प्लस में कन्वर्ट कर दिया है ना। जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें सारी की सारी कर दी हैं। बाकी देखो, पर्सनली मेरे को तो काम कर ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज मेरे पास खुद के पास ब्रेजा थी एंड टेस्टफुली मॉडिफाई ये गाड़ी हुई है। भैया एड्रेस और वापस एक बार वो बता दो चलते चलते। 59/35 है, न्यू रोहतक रोड। आप इधर से सबसे नियर बाय हमारा लिबर्टी सिनेमा के अपोजिट पड़ता है, और इधर से आप आते हैं तो महिंद्रा के शोरूम से थोड़ा सा आगे आता है न्यू रोहतक रोड पे, और ये करोल बाग से 1 किलोमीटर पहले ही है हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भैया, भीड़ भाड़ आप भी आप आयो, भीड़ भाड़ में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा भीड़ भाड़ गलत है, पर ये है कि बहुत लोग ना उससे इरिटेट हो जाते हैं, ये गाली कसम खाते हैं कि मैं करोल बाग कभी नहीं आऊंगा। तो एक बार आप यहाँ पे आके ना, मैं ये नहीं कह रहा, काम आप कराओ, देख लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते। तो भाई ये थी आज अपनी ब्रेजा 2023 मॉडिफाइड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताना, बाकी मेरे से पूछा जाए तो काफी सही। चलिए मिलेंगे इसमें, बाय। और अच्छा लगा तुम्हें? काम कैसे लगा? कहाँ से आए राजस्थान में? झुंझुनू से आए हो? अच्छा, चलो भाई, झुंझुनू से भाई आए थे, बाकी सेटिस्फाइड हो ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि वीडियो देख रहे हैं? वीडियो 6-7 महीने हो गए। अच्छा, ये कि मैंने फोन भैया ने दिखाया था अपना यूट्यूब पे, एक डाला था बस, दूसरा मॉडिफाइड भैया के पास जो एक लाल आता है ना, जो वीडियो सीन की पूरी वीडियो पूरी देखी थी, वो सब जितनी कम से कम 50 से ज्यादा वीडियोस में पूरा खुला हुआ है। तो ये देख के मैं हैरान हो गया कि मतलब इतना ज्यादा वीडियोस पहले देखी है, उसके बाद इतने दूर से आप आ रहे हैं। चलो भाई, पहले मैंने नाम क्या था? अपने नाम नहीं बताया अपने। तो भैया जय भाई की गाड़ी थी, स्पेशली भैया ने जैसे ऐसे चढ़ाया, एज इट इज वो चीज़ हुई। और सबसे मतलब ऐसा काम के लिए ना, मैं देखता हूँ जितनी भी बड़ी कंपनी में आप जाते हैं, कम से कम 15 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, और भैया के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसी वजह से सिंगल डे में सारा काम बना लिया। सुबह आए थे और अब शाम मतलब रात हो गई है, और फिर अब फाइनल फ्री हो गए। बाकी अब अगर आप ये भैया की वीडियो देख के अगर कोई आना चाहते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं। चलो भाई, ये थी आज की वीडियो, एंड करते हैं।